नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उराव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधुनिक और भविष्य के अनुरूप है। श्री मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा जगत से जुड़े समुदाय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के युवा अपनी दुनिया को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा डिजिटल इंडिया को गति देने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश को हर दिशा में आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। कैसे कैसे कमाल कर रहे हैं इन्हीं दूरदराज इलाकों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवा, आज टोक्यो ओलंपिक्स में देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, भारत को नई पहचान दे रहे हैं। ऐसे ही करोड़ों युवा आज अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण काम कर रहे हैं, असाधारण लक्ष्यों की नींव रख रहे हैं। कोई कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरातन और आधुनिक के फ्यूजन से नई विधाओं को जन्म दे रहा है, कोई रोबोटिक्स के क्षेत्र में कभी साईफाई मानी जाने वाली कल्पनाओं को हकीकत में बदल रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मानवीय क्षमताओं को नई ऊंचाई दे रहा है, तो कोई मशीन लर्निंग में नए माइलस्टोन्स की तैयारी कर रहा है। यानी हर क्षेत्र में भारत के युवा अपना परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यही युवा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को रिवोल्यूशनलाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 में भारत के नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया को नई गति दे रहे हैं। आप कल्पना करिए, इस युवा पीढ़ी को जब इनके सपनों के अनुरूप वातावरण मिलेगा तो इतनी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है वो भी हमारे युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएगा। केंद्र सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र की शिक्षा में ऑल इंडिया कोटा से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला इस वक्त सामने आया है और ये ऐतिहासिक निर्णय ये कहता है कि अब चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है और साथ ही कमजोर आय वर्ग के छात्रों को भी 10% का
आरक्षण दिया जाएगा। मेडिकल डेंटल शिक्षा में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं उन्हें लेकर ये महत्वपूर्ण निर्णय, जिससे उम्मीद के लगभग 5,500 छात्र इस महत्वपूर्ण निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय से लाभान्वित होंगे, जो चिकित्सा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे के तहत लिया गया है। एक ऐतिहासिक फैसला, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा, हालांकि ये योजना 1986 से ही लागू है, लेकिन 2007 से इस पर काम किया गया, 2007 से इसे लागू किया गया है और इसी योजना के तहत ही आज ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार की तरफ से। मेडिकल और डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को ये फायदा दिया जाएगा, जिसमें ओबीसी छात्रों को और कमजोर आय वर्ग के छात्रों को, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए 27% आरक्षण और कमजोर आय वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में छात्रों के लिए 10% आरक्षण का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर आज भी विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों के अनुचित व्यवहार पर अप्रसन्नता व्यक्त की। श्री बिरला ने कहा कि अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सामने कागज फेंकना संसद की परंपरा के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में कल की घटना पर निराशा व्यक्त की। श्री जोशी ने कहा कि विपक्ष ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम अनवरत जारी है। श्री सोरेन आज पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीमित संसाधन के बीच कोरोना की दूसरी लहर में राज्य सरकार ने जिस प्रकार का बेहतर प्रबंधन किया वह पूरे देश में चर्चा का विषय है। वैश्विक महामारी से जूझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वैश्विक महामारी में झारखंड का जो प्रबंधन रहा है, मुझे लगता है एक सीमित संसाधन में कई चीजों की कमियों के बावजूद राज्य में आप लोगों के सहयोग से हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के माध्यम से हम लोगों ने जो प्रबंधन किया वो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है और उसी सतर्कता के साथ बहुत सीमित दायरे में कार्यक्रम आयोजित करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। श्री सोरेन ने 30 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 पर बने रेलवे ओवर ब्रिज के अलावा 44 योजनाओं का उद्घाटन और 51 योजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री सोरेन ने एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के प्रभावित 45 रैतों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। श्री सोरेन ने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर राज्य की विकास यात्रा की शुरुआत की गई है। उन्होंने खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में खेल की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। पोटेंशियल हमें दिखता है और आज जो टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है, हमारे राज्य के बच्चे आज वहां अपना जोहर दिखा रहे हैं और विशेषकर, और ये खुशी की बात है हमारे लिए कि उनमें से सबसे अधिक लड़कियां हैं और जो सबसे दबे कुचले वर्ग से आते हैं, सब आदिवासी समाज से आते हैं, वो सारे बच्चे हैं। जनजातीय परामर्शदात्री समिति
टीएसी के असंवैधानिक तरीके से गठन का मामला आज राज्यसभा में गूंजा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार द्वारा गठित टीएसी को असंवैधानिक करार देते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने माननीय सदस्य के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र के संज्ञान में मामले के आने के बाद सरकार विधि सम्मत निर्णय लेगी। संविधान के 5वीं अनुसूची में टीएसी गठन का अधिकार दिया गया है और झारखंड में वहां पर जो अधिकार राज्यपाल को मिला हुआ था उसको स्वतः समाप्त करते हुए वहां की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने उसको उल्लंघन करते हुए टीएसी का गठन किया है जो कि असंवैधानिक है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने क्या उस पर कोई कार्रवाई की है या नहीं। उपसभापति महोदय, यह विषय बड़ा संवेदनशील है। अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को निहित है। जनजातीय प्रशासन के दृष्टि से जो संवैधानिक प्रावधान है उसका सही उपयोग हो यह मंत्रालय खास तौर से ध्यान रखता है। यह संज्ञान में मंत्रालय का है, संज्ञान में दिया गया और इस पर विधि परामर्श लिया जा रहा है और इस बात को मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर जनजातीय समाज को जो सुरक्षा प्रदत्त है वो सुनिश्चित रहना चाहिए। राज्यों को इस बात पर विशेष ध्यान और विशेष बल देना चाहिए जिससे ऐसा न लगे कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल निजी स्वार्थ के लिए उपयोग हो रहा जनता के लिए। झारखंड अधिविद परिषद जैक द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा 2021 के परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो ने लंबी बीमारी से स्वस्थ होने के बाद पदभार ग्रहण करते ही छात्रों को बड़ा तोहफा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में निजी विद्यालयों की तरह गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। परिषद के सचिव महिप कुमार सिंह ने बताया कि इस बार 10वीं के परीक्षा परिणाम में 95.93% विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का परीक्षा परिणाम बेहतर हुआ है। श्री सिंह ने बताया कि राज्य के 4,14,924 परीक्षार्थी सफल घोषित हुए हैं जिसमें 2,70,931 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी, 1,33,924 द्वितीय और 11,069 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देशभर में कोविड 19 के 43,509 मरीज मिले हैं। अगर देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की बात करें तो दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 43,509 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 38,465 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 97.38% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,03,840 है। पिछले 24 घंटे में 38,465 मरीज स्वस्थ हुए हैं और रिकवरी रेट 97.38% हो गया है। माफ कीजिएगा, देशभर में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,03,840 है। राज्य में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान केवल 27 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसी अवधि में 36 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 237 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 58,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई। अब तक राज्य में 1,14,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें 3,47,049 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य में कोरोना के कारण अब तक 5,126 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रिम्स का औचक निरीक्षण किया और
अधिकारियों से मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। इस मौके पर श्री गुप्ता ने कोरोना के संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से बच्चों के लिए बनाए जा रहे स्पेशल कोविड वार्ड में उपलब्ध संसाधनों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। 43,92,000 कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक वैक्सीन की 35,25,00,000 पहली डोज और 9,81,00,000 दूसरी डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने झारखंड को कल 5,00,000 से ज्यादा कोविड टीके का डोज उपलब्ध कराया है। इनमें कोविशील्ड का 4,51,950 डोज है, जबकि कोवैक्सीन 68,400 डोज उपलब्ध कराए गए हैं। ये टीके सभी जिलों को आवंटित कर दिए गए हैं। टीके के पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण राज्य में टीकाकरण अभियान में अब गति आने की संभावना है। केंद्र सरकार ने झारखंड को 7 अगस्त से 2 सितंबर तक उपलब्ध कराए जाने वाले टीके का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक इस अवधि में राज्य को 27,00,000 से अधिक कोविड टीके का डोज उपलब्ध कराया जाएगा। खूंटी जिले के ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर अब लोगों में जागरूकता दिख रही है। इसको लेकर सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने का असर दिख रहा है। खूंटी जिले में कोविड टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाने का असर दिखने लगा है। तोरपा प्रखंड परिसर स्थित किसान भवन सभागार में सुदूरवर्ती इलाकों से भी ग्रामीण टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं और अब वो टीके के फायदे समझने लगे हैं। अच्छा लगा, डर नहीं है। मेरा तो पहले एनएम ने बीपी और पल्स रेट भी नापा, जिससे ये पता चला कि मुझे वैक्सीन लेना अच्छा होगा या नहीं, तो व्यवस्था काफी अच्छी लग रही है। टीकाकरण वाले स्थल में टीका लेने वालों की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही टीका लेने के उपरांत एक सेल्फी मिरर कॉर्नर भी बनाया गया है। टीका लेने के पूर्व ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल की भी जांच की जाती है। टीका दिलाने के लिए यहाँ ठीक व्यवस्था अच्छा है और पहले आदमी उतना जागरूक नहीं थे, फिर अभी तो मतलब टीचर लोग पूरा गाँव में जाके कन्विंस करके पूरा जागरूक कर रही है, आदमी लोग अपने से खुद से ही आ रहे हैं। फटका पंचायत के पूर्व सैनिक सह पूर्व मुखिया सोमा मुंडा भी बैशाखी के सहारे वैक्सीन लेने तोरपा पहुंचे और ग्रामीणों में उपजी भ्रांतियों को टीका लेकर दूर किया। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद के कथित हत्या मामले में राज्य सरकार ने विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया है। सरकार ने सहायक पुलिस महानिदेशक अभियान संजय आनंद लाठेकर के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम को अनुसंधान की जिम्मेवारी दी है। टीम में बोकारो रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक को शामिल किया गया है। पुलिस घटना में प्रयुक्त ऑटो और 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक से विस्तृत जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि क्यों नहीं पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। धनबाद के वरीय न्यायिक पदाधिकारी की जो एक्सीडेंट के द्वारा इसे हत्या के रूप में जो देखा जा रहा है, जिसे संज्ञान लेते हुए आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने संज्ञान लिया और राज्य के डीजीपी और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक को तलब किया था, जिसमें डीजीपी के द्वारा आश्वस्त किया गया माननीय खंडपीठ को कि बहुत ही जल्द इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इससे आश्वस्त होते हुए
माननीय खंडपीठ ने इस मामले की जांच को बढ़ाने और इस जांच का रेगुलर जो है सो रिपोर्ट खंडपीठ के समक्ष। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कल धनबाद के न्यायिक सेवा के अधिकारी उत्तम आनंद की हत्या पर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। श्री प्रकाश ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। झारखंड के 3.25 करोड़ जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। धनबाद की घटना ने पूरे 3.25 करोड़ जनता को मर्माहत करने का काम किया है। एक न्यायाधीश की संदिग्ध हत्या हम इस बात का प्रमाण है कि झारखंड में आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस मौके पर श्री दास ने राज्यपाल को राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से अवगत कराया। इधर हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल और गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक MV राव ने भी राज्यपाल से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवातीय क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर राज्य के मौसम पर देखने को मिलेगा। इसके कारण 30 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज रांची, बोकारो, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीव प्रेमियों को बधाई दी है और कहा है कि हम एक बार फिर यह प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि बाघों के लिए सुरक्षित प्राकृतिक वास सुनिश्चित करेंगे और बाघों के अनुकूल इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप टोपो ने आज मंजुमती उच्च विद्यालय महादेव आश्रम में अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जिस तरह टिंकरिंग के क्षेत्र में निरंतर शोध की जरूरत होती है, उसी तरह कोरोना की दूसरी लहर में जब लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, तब जिला प्रशासन अधिकाधिक मरीजों की जांच कराकर उन्हें दवाइयां और किट घर तक पहुंचाने में जुटी थी। पाकुड़ के उपायुक्त ने आज बरसात के महीने में अक्सर होने वाली कालाजार बीमारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और टास्क फोर्स का गठन किया। इस मौके पर उन्होंने माइक्रो प्लान के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने और कालाजार से बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव कराने का भी निर्देश दिया। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने राज्य में कथित रूप से सरकार गिराने के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। श्री भट्टाचार्य आज राजधानी रांची स्थित पार्टी के राज्य कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। झारखंड में रिपोर्ट आ रही है कि सरकार को गिराने के लिए पहले तो राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त की बात सामने आती थी। एक सरकार जो बहुमत के बल पर चल रही है और जनादेश मिला उस सरकार को, और उस सरकार को गिराने के लिए एक साजिश चल रही है कि कहीं, और ये बहुत खतरनाक संकेत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा जिले के विभिन्न गांवों के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। श्री उरांव ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। भारत रत्न JRD टाटा की 117वीं जयंती सादगीपूर्वक मनाई गई।
प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष एयर मॉडल शो, विमान प्रदर्शनी और खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम वैश्विक महामारी कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया, जबकि वर्चुअल माध्यम से क्विज सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस मौके पर टीआईएस के प्रबंध निदेशक और आरएन प्रसाद ने बताया कि पिछले 53 वर्षों में कंपनी अपने दायित्वों को भली भांति निभा रही है। पहले जनसंख्या पे कंट्रोल करो, जनसंख्या यदि नहीं कंट्रोल करोगे तो कितना भी विकास दर प्राप्त कर लो वह पूर्ण रूप से मानव कल्याण के लिए संभव नहीं है। ऐसा विजनरी व्यक्ति दुनिया में कहां से मिलेगा, शायद इसीलिए भारत सरकार ने थोड़ा देर से ही सही उन्हें भारत रत्न दिया। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जरिए गरीब तबके के लोगों को कम कीमत पर जेनेरिक दवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस दिशा में कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में एक और जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई। अमीर हो या गरीब, बीमारी लोगों की आर्थिक स्थिति को देखकर नहीं आती। इलाज के अलावे दवाओं पर होने वाले खर्चे से लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है और खासकर जब इस वैश्विक महामारी से लोग वैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जरिए लोगों को कम कीमत पर दवा मुहैया कराकर उनकी तकलीफों को कम करने का एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। ये ग्रामीण लोगों के लिए एक वरदान है जन औषधि केंद्र, क्योंकि अभी लोग के पास इस कोरोना महाकाल में पैसे की कमी के लिए लोग जूझ रहे हैं, पैसों के लाले पड़े हुए हैं और उस कंडीशन में, और बीमारियां तो हर घर में हैं तो, और दवाई तो सबको चाहिए, और यहां पे जो जनौषधि केंद्र में जो दवाई मिल रही है वो मार्केट से 90% सस्ती है। जो दवा मार्केट में 100 रुपये मिल रहे हैं यहाँ 10 से 15 रुपये में वो दवाई अवेलेबल हो जा रही है। हर ग्रामीण के पास इसके माध्यम से दवा पहुँच पाएगी और लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे, प्रधानमंत्री का ये सपना है। हम कोडरमा के झंडा चौक के निकट राधे राधे कॉम्प्लेक्स में जिले का दूसरा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला है। इस जन औषधि केंद्र में बड़ी बड़ी बीमारियों से लेकर छोटे मोटे सर्दी खांसी और बुखार की जेनेरिक दवा कम कीमत पर उपलब्ध है। इससे पहले कोडरमा के डोमचांच में एकमात्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हुआ करता था। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र यहाँ पे उच्च गुणवत्ता WHO प्रमाणित दवाएं उपलब्ध है, जो मार्केट के मूल्य से 50 से 90% तक सस्ती हैं। झुमरी तिलैया शहर के इस जन औषधि केंद्र में दवाओं के अलावे कोरोना महामारी के अहम हथियार के रूप में मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध हैं। केंद्र की संचालिका किरण देवी ने बताया कि जन औषधि केंद्र के रूप में केंद्र सरकार की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से जन औषधि केंद्र के बारे में सुनने के बाद में हमको लगा, और उनके बातों के रखने के लिए हमको लगा कि क्यों नहीं हम अपने गाँव में, ये गाँव, राज्य, जिले, हर जगह इस दवाइयाँ का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि गरीब महिलाएं, गरीब आदमी लोग इस दवाइयाँ का उपयोग ले सके। कई बार लोग जीवन रक्षक दवाओं के महंगे होने के कारण अपना समुचित इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत होने के बाद लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी भरकम खर्चे से राहत मिली है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवा डिजिटल इंडिया को गति देने में जुटे हैं। नई शिक्षा नीति के एक वर्ष पूरा होने पर शिक्षण समुदाय को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने चाईबासा में करीब 11,000 लाभुकों के बीच किया परिसंपत्तियों का वितरण। 44 योजनाओं का शिलान्यास और 51 योजनाओं की रखी आधारशिला। झारखंड अधिविद परिषद की ओर से माध्यमिक परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित, लगभग 96% छात्र हुए उत्तीर्ण। और धनबाद के ADJ उत्तम आनंद की कथित हत्या मामले में राज्य सरकार ने की SIT का गठन, दो आरोपी गिरफ्तार।